मौसम में बहार की आमद का ऐलान होती है। फसल पकने और उसके काटे जाने के बाद का एक जश्न होता है। आठ सौ साल पहले दिल्ली में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से इस जरिए त्यौहार को सबने मनाना शुरू कर दिया। उनके चहीते मुरीद मारूफ शायर अमीर खुसरो ने बसंत ऋतु की तारीफ में गीत कहे, जो कि फी जमाना अपनी मिसाल आप। चंद साल कब पाकिस्तान की मशहूर मारूफ गुलुकारा फरिया परवेज ने बसंत का खसूसी गीत पतंग बादशाह जना से गाया, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैन-उल-अक़वामी सतह पर उसे पजीराई हासिल हुई और आज भी वो गीत महफिलों की जान है। पतंग आपने चाय वाले का सुना होगा, स्ट्रीट सिंगर का भी सुना होगा और न जाने कितने ऐसे मल्टी टैलेंटेड लोगों को आप देखते रहते होंगे। लेकिन आज हम एक और टैलेंटेड शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि न तो अमीर हैं और न ही उनके पास बंगला और गाड़ी है। कराची के रहायशी हैं और पेशे के एतबार से वो साइलेंसर वेल्डर टेंटर हैं। आजा परदेसी या वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, सा सा सर गरे रे रे गा गा गर गरे सा सा। कराची के पुरौनक और पुरहुजूम शहर में से एक हीरा और तलाश किया, जिसका नाम शाहिद मरकज है। आजा परदेसी या वास्ता, कराची के रहायशी हैं और पेशे के एतबार से वो साइलेंसर वेल्डर ट्रेंटर हैं। उनके हाथ में जिस तरह से हुनर है, उसी तरह पैदा करने वाले ने उनके गले में भी खूबसूरत कला रखी है। और उनकी कला उनके गले में कैद है, जहां से वो अपनी मधुर आवाज को कैद खाने से बाहर लाकर हवा के दोष पर फिजा में बिखेरते हैं। ओए सजना तेनू अखियां उड़ीक दियां। उनका ताल्लुक पंजाब के शहर सियालकोट से है। जेल चौरंगी के पास उनका गैराज है, जहां वो अपने खानदान की किफालत के लिए रोजी का बंदोबस्त करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और मुझे मौका फराहम किया। तो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर सियालकोट से है। तो मैं कोई शौकिया फनकार नहीं हूँ। मैंने नंदलाल साहब से क्लासिकल की बाकायदा तालीम हासिल की है, तो मैंने गाने बजाने का काम शुरू किया। सबसे पहले तो मेरा ये काम है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ये वक्त निकालना पड़ता है अपनी प्रैक्टिस के लिए। घर वालों का हमेशा ये रहा है कि जब मैंने कहा कि भाई ये कौन सा काम शुरू कर दिया आपने, मैंने कहा भाई मेरा शौक है, मुझे तो ये करने दें आप। बोले भाई और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मार का मार लिया कि तुम जो कुछ कर पाओगे भाई, तो मैं तो अपनी जगह स्टिल हूँ आज तक। खानदान की कफालत के लिए कोई ना कोई जरिया माश तो होना चाहिए, तो मैंने ये शोभा इख्तियार किया और ख़ानदान की कफालत के लिए मैंने ये शोभा चुना। आप भी बखूबी जानते हैं कि मौसीकी की जो दुनिया है, क्या गाने बजाने का जो सिलसिला है पाकिस्तान में, इतना ज़्यादा तो पजीराई नहीं मिली इसको। मैं अपनी ज़िंदगी का वो नगमा अभी आपको सुनाऊँगा जिसमें मेरी पूरी ज़िंदगी के राज पिन्हा है। वो है मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। फरिया परवेज़ ने पतंग बाद सजना से गाया तो मुझे वो बहुत कानों को भला और बहुत खूबसूरत शायरी है।
तो मैंने भी सोचा कि मैंने भी बसंत पे कुछ लिखूं, तो मैंने पेचा के नाम से एक लाइन मेरे जहन में आई, तो मैंने इसको लिखा। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे कंपोज करने की भी सलाहियत दी है, तो मैंने उसको कंपोज किया। पै गया नी पै गया नी पै गया पेचा पै गया, पै गया नी पै गया नी पै गया पेचा पै गया, तेरी मेरी पतंग दा सोनी। फिर उसका म्यूजिक वगैरह अरेंज कराया किया, तो जब रिकॉर्ड हुआ तो लाहौर से एक आदमी आया जो कि स्टूडियो में मौजूद था। उसने कहा कि भाई ये गाना तो बहुत अच्छा गाया आपने। मैंने कहा शुक्रिया सर आपका। उन्होंने कहा कि ये लिखा किसने है? तो जब मैंने उनको बताया कि भाई ये गाना मैंने लिखा है, तो बोले भाई इतनी मजबूत शायरी आपने और इतनी खूबसूरत और ऐसे नगीने पिरो दिए हैं। मैंने बोला भाई सर ये तो अल्लाह पाक की करम नवाजी है जिसकी वजह से मैंने ये गाना लिख दिया और कंपोज हुआ। तो आपको ये बताते चलूँ कि सोशल मीडिया पर इस गाने को पजीराई मिली। प्रोग्राम्स के हवाले से मैं आपको बताते चलूँ कि कराची और कराची से बाहर पूरे पाकिस्तान के शहरों में मैंने कई जगह लाइव प्रोग्राम्स किए। पाकिस्तान टेलीविज़न के सुबह 9 प्रोग्राम में हुई कि जहाँ मैंने 4 लाइनें लिखी और कंपोज करके उन्हें सुनाई। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि कराची क्लब में कुछ फॉरनर्स आए हुए थे, वहाँ मैंने लाइव प्रोग्राम किया उनके साथ, तो वहाँ मुझे बहुत पसंद आई। मेरा राहत फ़तेह अली खान साहब से सवाल है कि उन्होंने अपना ये फ़न किसी और को डिलीवर किया है या नहीं, अगर किया है तो वो कौन है, हमें भी पता चलना चाहिए। पतंगों के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जब मैंने पेचा पै गया लिखा तो इसमें जाहिर सी बात है पतंग का ही कॉन्सेप्ट है। इससे पहले से ही मुझे पतंगबाजी का खुद से भी शौक है, मैं भी उड़ाता हूँ, तो इस हवाले से मैंने ये पतंगें सजाई। और जब नीले आसमान पर और ग्रीन दरख्तों के बीच ये पतंगें उड़ती हैं तो हर इंसान को बड़ी भली लगती हैं, बहुत ही दिलकश और खूबसूरत। मेरे सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा ये पैगाम है कि जितने भी नए गुलकार आ रहे हैं मार्केट में या आने वाले हैं, उनको प्रमोट किया जाए और अच्छी आवाज़ को तो प्रमोट ही किया जाए। धीरे नारे 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 धीरे धेरे नारे नारे ना तेरी मेरी पतंग दा, तेरी मेरी पतंग दा सोनिए पेचा पै गया, पेचा पै गया, पेचा पै गया, तेरी मेरी पतंग दा सोनिए पेचा पै गया नी पै गया नी पै गया पेचा पै गया, पै गया नी पै गया नी पै गया पेचा पै गया, तेरी मेरी पतंग दा सोनिए पेचा पै गया। पतंग पतंग दे बहाने लोकी रूप तेरा वेख दे, चढ़दी जवानी दी नी अग पे सेक दे, लै गया नी लै गया नी लै गया दिल लै गया, तेरे मुखड़े दा काला तिल सोनिए दिल लै गया, पै गया नी पै गया नी पै गया पेचा पै गया। ये थे शाहिद मरकज, ये छुपा हुआ नगीना जिसे आज हमने आपके सामने पेश किया। ये वो नौजवान है जिसकी ख्वाहिश है कि वो सितारों पर कमल डाले, मगर अपनी आवाज़ के जरिए, कि जिससे तमाम दुनिया में उनकी आवाज़ गूंजे और उनकी आवाज़ की पहचान पाकिस्तान है।